पार्टी, घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद सपा विधायक आजम खान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसे ना चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे आना कह सकते हैं। मुसलमानों की बस्ती में जहां 900 वोट के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 6 वोट डाले गए और 500 के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 1 वोट डाला गया। चुनावी नतीजे कहां है? चुनाव था ही कहां? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की, 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। जिस तरह के वोट डाले गए, हम इसे अपने प्रत्याशी की जीत मानते हैं। यकीनन यकीनन हमारी अखलाकी जीत भी है, सियासी जीत भी है। मालूम हो कि बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,192 वोटों से सपा उम्मीदवार असीम रजा को हरा दिया है। विजयी प्रत्याशी घनश्याम लोधी एमएलसी रहे हैं। कभी आजम खान के राइट हैंड रहे लोधी ने 2022 में ही बीजेपी ज्वाइन की थी। घनश्याम सिंह लोधी को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी बेहद करीबी माना जाता रहा है। उन्होंने 2004 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान कल्याण सिंह के राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और मुलायम सिंह यादव की सपा के गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त, खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।